हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करते हैं आप सब भी खैरियत से होंगे। तो गाइस, 6:15 बज चुका है, माशाल्लाह। आज मैं जल्दी उठ चुकी हूँ क्योंकि इतनी जल्दी मैं उठ नहीं पाती हूँ रोज़। आज जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि आज मुझे टेंशन है थोड़ा काम का, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कल के ब्लॉग में कि मुझे किचन की सफाई करना है। और काफ़ी दिन से मैं बता रही हूँ कि मुझे काम करना है किचन का, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, इसलिए आज मैं थोड़ी जल्दी उठ गई हूँ। देखिए, बिल्कुल सुनमान रहता ना सुबह सुबह। देखो, सब कुछ कुछ गाड़ियां हैं जो निकल रही है, बाकी तो पूरा सुनमान। तो गाइस, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही दिल से सपोर्ट करते रहिए। और अभी माशाल्लाह मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों की वजह से। पहले तो मेरी वीडियो पे बिल्कुल यूज़ नहीं आ रहे थे, तो बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और आज तो हमारे यहाँ पर जगह ही नहीं है, दो दो गाड़ी रखा गई ना, इसलिए दो दो गाड़ी रखा गई ना। आज ये रशीद भाई का सामान रखा हुआ है और ये इस गाड़ी में ना गाइस बेचते हैं। देखो, इसमें इन्होंने जंगला बना रखा है। बेटा है ना मेरा, सुबह सुबह जाता है ना फजर में, तो बाहर से ताला लगा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जब से चोर घुसा था ना, जब से थोड़ा सा टेंशन हो गया है। मैंने ना इसी तपेली में बना ली अभी, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ना बना कर पी थी इसी में। और इधर मैं दाल वगैरह गरम कर लेती हूँ, क्योंकि खाना है ना मैंने रात में ज़्यादा ही बनाया था। बताया था आप लोगों को कि मैं सुबह किचन साफ़ करूँगी, तो और ये सोच ही रही हूँ मैं, देखो पुताई करवाने का, देखते हैं अब क्या होता है। बन चुकी है, तो चाय पीने के बाद फटाफट थोड़ा सा मैं छत की झाड़ू लगा के आऊँगी, उसके बाद सब बर्तन रखवाऊँगी ऊपर। तो गाइस, अभी मैंने छत साफ कर ली है, चाय पीकर आई थी ऊपर, और अभी मैंने छत की झाड़ू वगैरह लगा ली है, क्योंकि छत साफ़ हो गई ना, तो बर्तन वगैरह रखने में मुझे अच्छा आसानी रहेगी। और मैं सोच रही हूँ कि इस रूम में बैठ कर मैं बर्तन वगैरह धो लूँगी, क्योंकि धूप है ना वहाँ पर जल्दी आ जाएगी। पूरी छत की मैंने झाड़ू लगा ली है अभी फ़िलहाल तो, और इस रूम की भी मैं और साफ सफाई कर लेती हूँ। अभी फ़िलहाल चलते हैं नीचे। और देखो, अभी से ना धूप तेज़ आ गई है, अभी 7 बजाए और 7 बजे हालत देखो। तो इससे अच्छा है कि मैं वहीं रूम के अंदर बैठ के बर्तन धुलूँगी, और अभी ये प्याज वगैरह है ना, ये भी मैं रखवा लेती हूँ इधर बच्चों से। तो अब किचन के बर्तन निकालती हूँ फटाफट, और धीरे धीरे कर लूँगी, शाम हो जाएगी पर कर लूँगी धीरे धीरे। तो गाइस, मैं किचन में बर्तन निकालूँगी, पहले ना मैंने झूठे झूठे बर्तन साफ कर लिए किचन के थोड़े, ताकि ऊपर ले जाने में अच्छे लगे। फिर झूठे भी बर्तन और ये वाले भी सब शामिल हो जाते हैं ना, तो फिर बेकार, समझ में ही नहीं आता। तो इसलिए मैंने पहले किचन में बर्तन धो लिए, जो चाय वगैरह के थे, दूध वगैरह के थे। बच्चे ना रात में पी लेते हैं, बर्तन ले जाते हैं, चाय में बना लेती हूँ वो भी ले जाते हैं, तो वो सब धोकर मैंने अभी टोकरे में रख दिए। और अब मैं एक एक अलमारी करके खाली कर लेती हूँ। तो गाइस, पूरा किचन का सामान तभी निकला नहीं है, लेकिन आधा अधूरा सामान निकल गया है, बिट्टू ऊपर रख रख के आया है। और अभी तो टाइम तो लगना है, हाँ ये है कि नीचे का पूरा सामान उतर जाएगा, तो फिर इतना धोने में और इतना टाइम नहीं लगेगा। फिर तो मैं ऊपर बर्तन धोती जाऊंगी, अभी खास है नीचे से ऊपर सामान ले जाना। और अभी ना बच्चे दोनों सो रहा है, तो शिव की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं उसको बोल नहीं रही हूँ। और सोना को जाना है आज, हाथ का पंजा है, उसने वहाँ पर नाम लिखवा लिया है, तो अभी उसको उठाऊंगी वहाँ जाना। और रशीद भाई ने और हमने अभी कॉफ़ी बना के पी है, रशीद भाई उनका सामान लेके अभी बाहर निकले हैं। तो गाइस, मैं जा रही हूँ ऊपर। तीन तीन चार थैली लग जाएगी, बोल जल्दी से। ए
क्या हो रहा सिद्धि? ले कुछ है नहीं, देखना गिर नहीं जाए। ये पीछे तेरी मम्मी और ये है जो पीछे है, पीछे भी है ना। और तो बच्चों को दे दिए हैं थोड़ा सा नाश्ता खाने का, कर लेंगे बेचारे बच्चे, चलो लग जाते हैं फिर से काम में। तो गाइस जो मैं पुतवा रही थी, मैंने सोचा था कि मैं पुतवा लूँगी, तो रशीद भाई को तो टाइम नहीं है तो वो जा रहे हैं अभी, तो बाद में देखेंगे। अब जा रहे कहाँ? सीधे विपलन जाओगे? अब तो रशीद भाई तो गए गाइस, इसलिए अब पुतवाना कैंसिल। तो अब किचन के फटाफट से बर्तन निकलवा के और यहाँ का किचन धो लेती हूँ पहले, फिर बर्तन धोने जाऊँगी। तो गाइस किचन अलमारी हमारी निकल चुकी है और देखो कितनी गंदी हो गई यार, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। और किचन में हम लोग वापस, हमारा बदल गया है मोड़, वापस हम पुताई कर रहे हैं। तो बेटा और ये मिलके ही कर देंगे, क्या कर सकते हैं, वो तो चलेगा। तो किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा ना, तो मैं सोच रही हूँ और एक किचन अलमारी और अभी निकाल रहा हूँ। तो चलो अल्लाह का शुक्र है कुछ जाएगा भाई, और ये सब नहीं जाएगा, ऊपर रखूँगी और धीरे धीरे धोती रहूँगी, क्योंकि अब पूरा किचन है ना पूरी तरीके से क्लीन करना है, टाइम तो लगेगा आगे से। तो आज का भी दिन मान लो और कल का भी दिन मान लो आप लोग। देखिए यहाँ की किचन अलमारी निकल गई है और ये वाली निकाल रहा है अभी। तो अभी हमने कलर का नहीं सोचा है गाइस कि कौन सा कलर पोतेंगे, लेकिन देखते हैं। और टाइम इतना टाइम भी नहीं लगेगा, और किचन अलमारी हमने जब से लगाई थी ना वहीं के वहीं हम धो लेते, वहीं के वहीं इसको मांझा मींझी करके साफ कर देते, निकाली हमने पहली बार ही है। तो चलो पहले किचन को मैं झाड़ देती हूँ अच्छे से, और उसके बाद फिर ऊपर सारी चीज़ें धूप में रख के आती हूँ, क्योंकि 9 बज गया और कुछ भी काम नहीं हुआ अभी, सिर्फ सामान गया ऊपर। और इसको जाना है आज, इसका है ना, हाँ इसने क्या है आर्म रेस्टलिंग, मुझे तो नाम भी नहीं आता है गाइस। तो ये जाएगा अभी पंजा लड़ाने, साफ सुथरी बात बोलती हूँ। और इसको देखो इसकी हालत, इसको मैंने पहले बोला था कि तू सो जा, इसको आज जाना था, तो उसके बावजूद भी ये अब इसकी नींद मतलब आंखों में इतनी है कि बता नहीं सकते। और मुझे तो गाइस अब काम करना है, इसलिए अब ये तैयार हो जाए मुझे नहीं पता। तो ऊपर तो है ना बहुत ज़्यादा धूप है, और आज तो रंग सच में काला पड़ना है, बर्तन धो के घिस घिस के। तो देख एक तो ना इधर कोई मिलता नहीं यार कि किसी को बुला लो, मैं उधर रहती थी ना पहले तो वहाँ पर कोई भी आ जाता था, किसी को भी बुला लेते थे, अब तो यहाँ पर तो नामुमकिन। तो मैं जा रही हूँ अब ऊपर, और मैं इतना सामान लेकर जा रही हूँ, और चूहे बहुत नाश करते हैं यार सामान के सच में। तो ये देखिए गाइस अभी ढेर लगा दिया है मैंने यहाँ का, और अभी सामान मैंने नहीं निकाले, देखो अभी थोड़ा बहुत ही निकाला है। अब बेटा बुला रहा है नीचे मुझे, क्योंकि वो कलर देखना है मुझे, कलर कौन सा वही पुतवाना है कि दूसरा पुतवाना है देखते हैं। और उसका दोस्त भी आया हुआ है, तो व्लॉग भी नहीं बना पाऊँगी गाइस ज़्यादा। तो 2 बज चुका है और ज़िंदगी में पहली बार ऐसी सफाई कर रही हूँगी कि ना मैं ऊपर फैलावा पड़ा है, किचन में फैलावा पड़ा, कुछ भी नहीं किया और सो गई मैं, क्योंकि है ना दोनों बच्चे चले गए बाहर, और हमने पुताई का जो कलर लेना है ना वो मतलब इसका जो फ्रेंड है ना बेटे का, वहाँ पर गाइस वहाँ से लाना था, थोड़ा सस्ते में काम हो जाता, देखना पड़ता है घर गृहस्थी, तो हमने दुकान से नहीं मंगवाया। तो इसलिए मैंने सोचा, बेटे ने बोला मम्मा जोहर बाद होगा जो भी होगा कलर वगैरह, और ऊपर इतनी तेज़ धूप है कि मैं बर्तन धोती कैसे। और मैंने सोचा है ना चलो सबसे बढ़िया काम है आराम कर लो, पूरा दिन भी रहेगा रात भी और कल का दिन भी, आराम से धीरे धीरे करते रहेंगे। कितनी तेज़ धूप है बाप रे अल्लाह। तो चलो सामान में तो काफ़ी अच्छी धूप लग चुकी है। तो गाइस दिमाग मेरा है ना सच्ची में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, क्यों
कि हमने ना पुताई की वजह से किचन में कुछ भी काम नहीं करा था, कि चलो पुताई होगी और उसके बाद ही मैं बर्तन वगैरह ये धोऊंगी और साफ सब करूंगी, लेकिन पुताई हमारी शायद हो सकता है कैंसिल होगी। और सुबह से मैं ऐसे ही घूम रही हूँ कि पुताई होगी, चलो सब अच्छे से सामान जमेगा, लेकिन पोतने वाले कोई भी नहीं मिल रहा है। तो मेरा तो सर में भी दर्द होने लग गया है और सारा सामान मेरा भारी पड़ा हुआ, कोई 2 दिन बता रहा है, कोई 4 दिन बता रहा है। तो अब देखो क्या करते हैं, यही होगा वापस ऐसे ही किचन साफ करके और बर्तन धो के जमाने पड़ेंगे। अगर यही चीज़ें पहले मालूम होती तो पूरे अभी तक तो मेरा किचन कंप्लीट हो जाता और बर्तन भी जम जाते। तो गाइस मैं अब ऊपर जा रही हूँ बर्तन धोने के लिए, और फिर हमारा डिसीजन चेंज हो गया है क्योंकि बेटा गया है कलर लेने के लिए और उसने बोला है कि मैं खुद पोत दूंगा, रहने दो अब, तो वो खुद ही पोत लेगा माशाल्लाह, दोनों भाई मिलके पोत लेंगे। तो मैं तो ना टेंशन में आ गई थी यार, कि ना अब इतनी मेहनत की और किचन नहीं पुत रहा है। तो चलो यहाँ गाइस मैं बर्तन धोने लग गई हूँ और अभी मैं डब्बों डब्बों से स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पर कुछ बिछा कर और यहाँ रखती जाऊँ। तो गाइस यहाँ मैं बर्तन धो रही हूँ और माशाल्लाह इतने सारे जो डिब्बे दिख रहा है पीछे, ये मैंने धो दिए हैं और जल्दी जल्दी धो रही हूँ अभी, क्योंकि ना फिर अंधेरा हो जाएगा। इतने धो दिए हैं, जल्दी जल्दी धो रही हूँ और उधर सामान बिट्टू भरता जाएगा। और माशाल्लाह देखो सूरज, बर्तन धोते धोते मैं जा रही हूँ नीचे और अभी तो पड़े हुए हैं ढेर धोना, लेकिन अभी क्या है शाम हो गई ना, तो नीचे भी मुझे लाइट वगैरह चालू करने जाती हूँ और यहाँ का भी बल्ब वगैरह करती हूँ, क्योंकि बल्ब रहेगा ना तो रात में भी काम होता रहेगा। और दोनों बच्चे देखो अभी तक नहीं आए, जबकि उनको पता था कि काम है आज फिर भी, और चलो अल्लाह का शुक्र है धीरे धीरे हो रहा है। तो यहाँ का बर्तन का फाइनली करने के बाद मैं फिर नीचे कलर मंगवा रही हूँ, फिर हम माँ बेटे मिलकर पोतेंगे उसको। और हाँ आप लोग है ना प्लीज़, वीडियो ना बहुत मेहनत से बनाती हूँ, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें आप और फुल वो किया करें, और एक कमेंट मुझे ज़रूर कर दिया करें आप लोग कि आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हो। तो गाइस देखिए अंधेरा हो गया है बिल्कुल और कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। अब सामान तो मैं दिखा नहीं सकती हूँ, सिर्फ रात की लाइटें दिखा सकती हूँ आपको। तो गाइस 8 बजने वाला है अभी और किचन में भी अभी कुछ भी नहीं हुआ है, सब ऐसा के ऐसे ही पड़ा हुआ है। ऊपर अभी आधे डब्बों में मैंने सामान भरा, लेकिन ऊपर है ना उजाला नहीं है, लाइट नहीं चल रही है, तो अभी बल्ब लगवाती हूँ और लाइट चालू करवाती हूँ अभी। और यहाँ पर कलर लेकर आ गया है बेटा, तो इस बार मैंने थोड़ा चेंज कलर मंगवाया, ये वाला नहीं, पुताई पुताई के चक्कर में गाइस 2 दिन तो पूरे हमने लगेंगे। तो बस आप हमारी वीडियो के साथ ऐसे ही बने रहिए और देखिए हमारी पुताई करने का मज़ा लीजिए। काफ़ी सालों बाद हम लोग पुताई करेंगे खुद से, पहले तो मैं करती रहती थी ना बेटा, पहले तो ना गाइस मैं जब मैं किराए के मकान में थी ना ऐसे ही होता है, तो मैं पोतती रहती थी, जब सफाई करती ना तब पोत लेती, जब कुंडे भराते ना तो मैं जब मतलब किचन की पुताई करती उसके बाद मैं कुंडे भरती थी, अब इतना बनता नहीं है यार मेरे से। तो देखो मैंने जो कलर मंगवाए ना इस बार दिखाती हूँ आपको, कैसा लगेगा आपको ये वाला कलर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना प्लीज। मैंने मंगवाया है ये वाला कलर, इलायची कलर ज़्यादातर होता है किचन में, और अभी हमारा ये येलो हल्का येलो कलर है, और एक डिब्बा है वाइट का, तो ये छत के लिए। तो 9 बज चुका है गाइस और मैंने यहाँ पर अभी दूध गरम रखा है, ये देख सकते हो दूध गरम मैंने रखा है, और बेटा उधर खाना खा रहा है और मैंने भी खा लिया है, और ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो मैं वीडियो का भी एंड कर देती हूँ। और गाइस अभी तक देखो कितना टाइम हो गया है, अभी तक नहीं आया बेटा, 9 बजने वाला है अभी तक चल रहा है, अभी उसको फ़ोन लगाती हूँ। बस बच्चों का यही रहता है कि अगर हम उनको छूट दे देते ना तो वो बिल्कुल ही लापरवाह हो जाते हैं। तो चलो अब बाकी का ब्लॉग दूसरे पार्ट में मैं दिखाऊंगी, पुताई वगैरह और किचन मैंने कैसा जमाया है वो दूसरे पार्ट में मैं दिखाऊंगी।
तो अभी फिलहाल तो गाइस मैं किचन का ऊपर बर्तन वगैरह धोऊंगी बल्ब वर्फ लगा कर, लेकिन ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाऊंगी अब मैं ब्लॉग का एंड कर रही हूँ यहीं पर, क्योंकि आप लोग भी देखते देखते बोर हो जाओगे कि कितना बड़ा वीडियो डालते हो। तो गाइस वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं दूसरे पार्ट में। तो आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करना, और मेरी वीडियो को फुल सपोर्ट किया करो प्लीज़, और दुआओं में याद रखा करो, और आपके सपोर्ट के बिना मेरा कोई चैनल नहीं चल सकता है गाइस। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो गाइस वीडियो का एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, गुड नाइट, चाय, अब बस चाय पीऊँगी, चाय पीते पीते, बाय बाय।